हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मंजरी में। इतिहास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने मुगल एम्पायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए और वो भी वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। भारत में मुगल शासन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बाबर, ऑप्शन ए। तो बाबर इन्होंने 1526 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल राजवंश ने लगभग 200 साल तक भारत में शासन किया था और इस राजवंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप अपना आंसर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपका जो भी स्कोर आता है वो भी आप मुझे कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनल फ्रॉम। बाबर मूल रूप से भारत कहाँ से आए थे? तो वो आए थे फरगाना से, ऑप्शन डी। वो फरगाना से आए थे और बाबर का जन्म हुआ था अंदिजा नामक शहर में जो कि अब उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ट्रैवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, इसके लेखक कौन है? इसका लेखन किसके द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है फ्रैंकोइस के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज मास्टर बाय औरंगजेब। किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल हुई थी? तो वो हुई थी वीणा में, वीणा वाद्य यंत्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा। किसने बीबी का मकबरा का निर्माण किया है? तो वो हुआ है औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन डी। तो औरंगजेब इन्होंने अपनी वाइफ दिलराज बानो बेगम इनकी याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड वॉज। मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो आपका आंसर ऑप्शन ए पर्शियन, यानी फारसी भाषा थी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ शाहजहां नामा। तो शाहजहां नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है इनायत खान के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज अ कंटेम्प्री ऑफ अकबर। भारतीय शासकों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो वो थे रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, अकबर नामा वॉज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल इन। तो अकबर नामा को अबुल फजल ने 7 वर्ष में पूरा किया था, तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 7 ईयर्स। और अबुल फजल ने इसे 1589 में इसे लिखने के लिए शुरुआत की थी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह। तो शेरशाह द्वारा किस स्मारक का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है किलाए कोहना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज। तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था, ऑप्शन बी। तो इनके द्वारा पद्मावत इसकी भी रचना की गई है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, इनका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो आपका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है सिकंदरा में, ऑप्शन ए। और इसे उनके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण किया है, 1605 में इसका निर्माण पूरा करवाया था और इसे बनाने में लगभग ने 8 साल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको वॉज। तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लगाई थी? तो आपका आंसर जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, जहांगीर। तो जहांगीर इन्होंने 1617 में तंबाकू पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्री ऑफ अ इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ। कौन अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ का समकालीन था? तो वो था अकबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जहांगीर टुक शेल्टर एट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट। तो जहांगीर ने किस किले में शरण ली थी? तो वो ली थी ओरछा किले में, ऑप्शन ए। तो जहांगीर ने ओरछा किले में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो किया था शाहजहां ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल इरा रूलर्स मेंशन बिलो वाज हाईली एजुकेटेड।
मध्यकालीन युग के शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, शेरशाह। शेरशाह जो है वो एक उच्च शिक्षित था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट? तो निम्नलिखित में से कौन निरक्षर था? तो वो था अकबर, ऑप्शन ए। उच्च शिक्षित था शेरशाह और जो निरक्षर था यानी इलिटरेट था वो था अकबर। ये आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, हु इम्प्रिजन फॉर लाइफ टाइम बाय औरंगजेब? औरंगजेब ने किसे आजीवन कारावास की सजा दी थी? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, शाहजहां। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था और उसने अपने पिता शाहजहां को आजीवन कारावास की सजा दी थी। नेक्स्ट, द एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल वॉज? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था अर्जुमन बानो बेगम, ऑप्शन सी, अर्जुमन बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द दीन इलाही? तो दीन इलाही इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अकबर ने, ऑप्शन ए। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए अकबर ने दीन इलाही इस धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड शेरशाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन? तो शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो वो की थी जौनपुर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आफ्टर द डाउनफॉल ऑन द दिल्ली सल्तनत हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन्स? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ऑफ पुराना किला इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय? तो दिल्ली में जो पुराना किला है इसकी इमारत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, शेरशाह। और ये पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अकबर वॉज बॉर्न एट द फोर्ट ऑफ विच राजपूत रूलर? अकबर का जन्म किस राजपूत शासक के किले में हुआ था? तो वो हुआ था राजा विरसाल के, ऑप्शन बी, राजा विरसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, 1576 में उन्होंने मर्ज किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला एंड आफ्टरवर्ड्स सुल्तान? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी शासक ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ? तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो वो की थी अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ पातशाह फर्स्ट एट? बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कहाँ पे धारण की थी? तो वो की थी काबुल में, ऑप्शन सी। तो बाबर ने पातशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अटैक इंडिया इन द ईयर? कौन से वर्ष में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो किया था 1519 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू इंग्लिश? तो किसने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, लेडन एंड रस्किन। तो इन्होंने 1810 में बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, अनवरीय सुहेली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ? अनवरीय सहेली का अनुवाद, ये किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। तो पौराणिक संस्कृतित नीति कथा पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद किया गया था हुसैन इब्न अलीवेज अल कासिफ के द्वारा। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड बाबर डिफिटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी इसे हराया था बाबर ने, ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज? इब्राहिम लोदी पर बाबर की जीत का कारण क्या था? तो वो था आर्टिलरी, ऑप्शन सी, आर्टिलरी यानी तोपखाना। नेक्स्ट,
फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द वन हु वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं. तो उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो हुमायूं का भाई नहीं है. तो कामरान भी भाई था, अस्कारी भी था और हिंदाल भी था, तो उस्मान. तो आपका आंसर हुआ उस्मान. उस्मान जो है वो हुमायूं का भाई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पायर ऑफ बाबर इंक्लूडेड, बाबर के साम्राज्य में क्या शामिल था. तो आपका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस में क्या क्या आता है, तो एरिया ऑफ काबुल भी था, पंजाब भी था और एरिया ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश भी था, ये तीनों थे. तो इसलिए आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर लॉन्च दीन इलाही इन द ईयर. तो अकबर ने दीन इलाही का शुभारंभ किस वर्ष में किया था. तो आपका आंसर ऑप्शन ए 1582 में इन्होंने दीन इलाही इसका शुभारंभ किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स. तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था. तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सती ऑफ हिंदू वुमन वॉज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर. तो किस मुगल सम्राट शासन काल में हिंदू महिलाओं की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ अकबर ने. तो अकबर ने कब सती प्रथा हटाई थी, तो वो 1582 में उसे अवैध घोषित कर दिया था, 1582. नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ द दीवान बाय अकबर वॉज. अकबर द्वारा दीवान का उचित दर्जा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था. तो वो था मुजफ्फर खान तुरप्ती, ऑप्शन सी मुजफ्फर खान तुरप्ती. नेक्स्ट, द किलर ऑफ अबुल फजल वॉज रिवॉर्डेड बाय. अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किसने किया था. तो आपका आंसर ऑप्शन ए जहांगीर. तो जहांगीर ने उसे पुरस्कृत किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बाबर डाई. बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी. तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में. सो आपका आंसर जाता ऑप्शन सी के साथ आगरा. और ये कब हुई थी, 26 December 1530 में उनकी ये मृत्यु हुई थी. और बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ पे दफनाया गया था, तो उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए शेरशाह सूरी ने उन्हें काबुल में दफनाया. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काबुलियत एंड पट्टा वॉज इंट्रोड्यूस बाय. तो काबुलियत और पट्टा किसके द्वारा पेश किया गया था. तो आपका आंसर ऑप्शन सी शेरशाह. तो काबुलियत और पट्टा ये शेरशाह ने पेश किया था. नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स वॉज. हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था. तो वो था दारा शिकोह, ऑप्शन ए. ये औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह. बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रेजेंटेड द फेमस कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां. तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट दिया था. तो वो दिया था मीर जुमला ने, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंपोज हुमायूं नामा. तो हुमायूं नामा इसकी रचना किसने की है. तो आपका आंसर जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, गुलबदन बेगम. तो गुलबदन बेगम इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज द मदर साहेब बेगम वॉज इस्टेब्लिश बाय. दिल्ली का शिक्षा केंद्र जिसे मदर साहेब बेगम के नाम से जाना जाता था, ये किसके द्वारा स्थापन की गई थी. तो आपका आंसर जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, महा अग्ना इनके द्वारा ये स्थापन की गई थी. नेक्स्ट, द हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय. इतिहासकार अबुल फजल किसके द्वारा मारा गया था. तो वो मारा गया था वीर सिंह द बुंदेला के द्वारा, ऑप्शन ए वीर सिंह द बुंदेला. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम. तो मुगल ने नवरोज उत्सव किसके द्वारा अपनाया था. तो वो अपनाया था उन्होंने पर्सियन के द्वारा, यानी फारसियों द्वारा, ऑप्शन डी. और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज फॉर. द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी यानी भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है. तो ये कहा जाता है हेमू को. हेमू यानी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य एक हिंदू राजा थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत पर शासन किया था.
और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर, यानी भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, हेमू। हेमू यानी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये एक हिंदू राजा थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत पर शासन किया था। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजरी इस चैनल का आप सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।